हेलो फ्रेंड्स, अंजू पंकज की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से केक बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम बिना अंडे के और बिना ओवन के ही बनाएंगे। इस तरीके से आप केक बनाएंगे तो बाहर से केक लाना भूल जाएंगे। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए केक टिन, तो आप किसी भी शेप का केक टिन ले सकते हैं। मैंने ये हर्ट शेप का केक टिन लिया है। तो सबसे पहले इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम इसी शेप का पेपर कट कर कर लगा देंगे। थोड़ा सा ऑयल हम पेपर के ऊपर से भी लगा देंगे। तो ये केक टिन तो हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब ओवन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भगोना लो फ्लेम पर स्टैंड लगाकर प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी भी उल्टा करके रख सकते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है और आधा कप पिसी हुई चीनी ली है। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम डालकर मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। दो चम्मच कोको पाउडर। एक चम्मच बेकिंग पाउडर। आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। बैटर अभी गाढ़ा है तो थोड़ा दूध और डाल लेते हैं। दूध इसमें लगभग 1 कप लगा है। एक चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। एक चम्मच विनेगर डालेंगे। मिक्स करेंगे। केक का बैटर रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको हम केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तीन से चार बार टैप करेंगे। अब इस केक टिन को भगोने में रख देंगे 30 से 45 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक होने के लिए। मिनट हो चुके हैं। तो चलिए केक को चेक कर लेते हैं। केक तैयार हुआ है कि नहीं इसमें एक स्टिक डालकर देख लेंगे। यदि स्टिक में बैटर चिपका हुआ आता है तो केक बेक नहीं हुआ। यदि नहीं चिपकता तो केक बेक हो गया है। तो ये देखिए, स्टिक बिल्कुल साफ निकली है, इसका मतलब केक बेक हो गया है। गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे और बर्तन को ऐसे ही ठंडा होने देंगे। जब बर्तन ठंडा हो जाएगा तब हम केक टिन को बाहर निकालेंगे। अब भी बर्तन हल्का सा गर्म है तो मैं कपड़े से पकड़कर इसे बाहर निकालूंगी। चाकू से केक के किनारों को हटाएंगे और प्लेट पर बर्तन को उल्टा कर देंगे। तो ये देखिए, केक आसानी से निकल आएगा। केक पर लगा हुआ पेपर निकाल देंगे और दूसरी प्लेट इस पर रखकर केक को सीधा कर लेंगे। तो चलिए, केक तो तैयार हो गया है। अब इसकी आइसिंग के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ली है यहाँ पर ये व्हिपिंग क्रीम। ये आसानी से बेकरी शॉप पर मिल जाती है। बस मैं आधा लीटर व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करूँगी। इस क्रीम में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल तैयार होती है।
क्रीम को यूज़ करने से पहले उसे फ्रिज में रखकर एकदम ठंडा कर लीजिए। उसके बाद उसे हैंड ब्लेंडर या फिर विस्क से फेंट लीजिए। 10 मिनट अच्छे से फेंटने के बाद क्रीम एकदम से डबल हो गई है और इसमें स्टिपिक्स बनना शुरू हो गई हैं। तो ऐसी ही क्रीम हमें चाहिए। केक को हम 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। तो केक बोर्ड पर सबसे पहले क्रीम लगाएंगे, उसके बाद केक की एक लेयर रख देंगे। अब इस पर शुगर सिरप लगाएंगे। 4 चम्मच पानी में 2 चम्मच चीनी को घोलकर शुगर सिरप तैयार हो जाता है। इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है जिससे ये आसानी से इस पर लग जाएगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध की खाली थैली ले लीजिए और उसमें क्रीम को भर लीजिए और उसके एक कोने को कट कर लें, तो वो भी आपकी बिल्कुल पाइपिंग बैग की तरह ही काम करेगी। तो अब इस क्रीम को हम स्पैचुला से या किसी चाकू की सहायता से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर से ग्रेटेड चॉकलेट डाल देंगे। अब इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर रखेंगे। शुगर सिरप लगाएंगे। क्रीम लगाएंगे और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ग्रेटेड चॉकलेट डालेंगे। अब इसके ऊपर तीसरी लेयर को रख देंगे। शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। और ऊपर से लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। तो अब हमें इतनी क्रीम लगानी है कि जो पूरा केक है ये इससे अच्छे से कवर हो जाए। सारे में अच्छे से क्रीम लगा देंगे और उसे स्प्रेड कर लेंगे। केक क्रीम से कवर हो गया है। अब इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे केक अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रीम बची है उससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो थोड़ी सी क्रीम मैंने अलग बाउल में डाल ली है। तो ये जो ज़्यादा वाली क्रीम है इसमें मैंने डाला है पिंक कलर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लिक्विड फूड कलर है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। अब दूसरी वाली क्रीम में डालेंगे ग्रीन कलर। तो यहाँ पर दोनों कलर की क्रीम तैयार हैं। अब इनको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्टार नोजल का यूज़ करा है। तो इस तरीके से हमको फ्लावर बनाने हैं किनारे से। तो किनारे किनारे पर हम
फ्लावर बनाते जाएंगे। तो अब हम यहाँ साइड से भी फ्लावर बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से फ्लावर बनाने हैं हमें। केक की साइडों को फ्लावर से पूरी तरह से कवर कर लेंगे। अब ग्रीन कलर की क्रीम से हम पत्तियां बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बनानी है। अब यहाँ पर भी मैं फ्लावर बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं 3 फ्लावर बनाऊंगी। साइड में पत्तियां बना देंगे। तो अब केक के नीचे वाले साइड में हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। ये जो साइड में खाली स्पेस बचा है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये केक मैंने बनाया है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा है हैप्पी न्यू ईयर 2021। अगर आपको मेरी यह केक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ।